तो हे गाइस, आज बात करें टाटा टियागो एनर्जी के ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में। ड्राइविंग ये कैसी लगती है चलाने के हिसाब से, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टाटा टियागो एनर्जी को चला के। तो मैं यहाँ पर हैंड ब्रेक नीचे करता हूँ और मैं फर्स्ट गियर डालता हूँ। फर्स्ट गियर में कैसे उठती है देखते हो। हाँ, नॉर्मली ठीक ठाक उठ जाती है। उसका फर्स्ट गियर लगभग 20 के बाद मांगने लगती है। फर्स्ट गियर ये कितना है, 2-2 करने से अच्छा है मैं सीट बेल्ट ही पहन लेता हूँ। सेफ्टी के लिए भी अच्छा है हमारे लिए, इसके लिए भी अच्छा है। सेकेंड गियर देखता कहाँ तक मांगती है। सेकेंड गियर लगभग 40 तक मांग लेती है सेकेंड गियर। तो अभी मैं थर्ड गियर में हूँ। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ठीक ठाक है चलने में। थोड़ा सा पावर लेग की कमी तो लगेगी आपको, बट हाँ ठीक है। अगर माइलेज आपको अच्छी चाहिए तो ठीक है। ब्रेकिंग के मामले में देखा जाए तो आगे डिस्क है, पीछे ड्रम ब्रेक है, तो ठीक तो ठाक कह सकते हैं, बट इतना भी अच्छा नहीं बोल सकते। तो मैं 50 के स्पीड में हूँ, तो अभी तक तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं 50 मुझे तो लग रही थी, मैं 30-40 के चला रहा हूँ, अब 60 पहुँच चुका हूँ। मैं फिफ्थ गियर डाल के बताता हूँ कैसा है ये कार। मतलब देखा जाए ना, फर्स्ट और सेकेंड गियर में आपको लगेगी लैग का, पावर की कमी। उसके बाद अगर इनिशियल गियर आप ऊपर करते जाइएगा तो पता भी नहीं चलेगा कि कैसे चल रही है कार। फुल लेन में स्मूथ की तरह चलेगी। मैं लगभग 70 के स्पीड में हूँ। स्टीयरिंग अगर बात की जाए तो हाँ, सुजुकी की तरह एकदम स्मूथ तो नहीं है, बट लगभग ठीक ठाक है। पेट्रोल गाड़ी आप कह सकते हैं, उतना हार्ड भी नहीं। बट गियर इसमें मुझे लगी अभी तक में कि इसमें गियर इसमें थोड़े से हार्ड है, हार्ड लगी इसकी गियर। मैं इसको थोड़ी सी स्पीड में देख के ले जाता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कैसे ये कार। के बाद आपको टू सुनने को मिल ही जाता होगा हर ड्राइवर में। मैं ऑलमोस्ट 100 पहुंचने वाला हूँ। ये मैं 100 में हूँ, पता भी नहीं चल रहा है कि मैं 100 क्रॉस कर चुका हूँ। एकदम कुछ पता भी नहीं चलेगा 100 क्रॉस कर चुके हैं। इसमें अब मैं ब्रेक मार के देखता हूँ। हाँ, इमरजेंसी ब्रेक में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट नॉर्मल ब्रेक में गुड, खराब भी नहीं कर सकते और काफी अच्छा भी नहीं कर सकते। फिर मैं इसकी 0 to 100 की स्पीड की बात करूं तो हूँ 3, 2, 1। सेकेंड गियर में काफी आपको लैग देखने को मिलेगी, काफी ज्यादा। उसके बाद जो भागती है कार भाई साहब, वाह मजा आ जाएगा आपको चला के। लगभग आप 12 सेकेंड में आप 100 क्रॉस कर सकते हैं ऑलमोस्ट। 4N इसकी काफी खराब दिखे, पी वाली पी बोल लगना चाहिए कि आगे आदमी वो सोचे बार में। अगर मैं ओवरऑल गाड़ी की बात करूं तो विजिबिलिटी की बात देखा जाए तो विजिबिलिटी आपको चारों साइड देखने के प्रॉब्लम। हाँ ये बात है, हैचबैक है, बोनट तो बिल्कुल भी नजर नहीं आती, ना के बराबर बोनट। बट इसके ORVM के देखने की बात की जाए तो हाँ आपको काफी कुछ कैप्चर हो जाएगी। पीछे की भी ठीक ठाक है। यहाँ पर बस ये ऑटो दे दिया है, ये मुझे थोड़ा रिग्रेट लगता है, ऑटो दे देना था। ओवरऑल गाड़ी बढ़िया गाड़ी है। आपको पेट्रोल चाहिए, सेफ्टी चाहिए, फीचर आपको अगर हल्का कम चाहिए तो
मैं सजेस्ट करूंगा ये गाड़ी लेने का। अगर आपको बेस्ट गाड़ी चाहिए, ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए, फीचर आपको कुछ थोड़ी कम चाहिए, विजिबिलिटी चाहिए, इसकी विजिबिलिटी, ये जो पोस्टर है ना, आपको काफी विजिबिलिटी देखने को। हाँ, बस ये थोड़ा सा रिग्रेट करेगा आप कुछ ऐसे ऐसे करके आपको देखना पड़ेगा, बट वो मैनेज हो जाएगा, वैसे भी नहीं देखने को मिलेगा। अगर आपको ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए, थोड़ा सा आपको ऑफ रोडिंग का भी शौक है, आपका घर ऐसे जगह जहाँ पर आपको गड्ढे उड्ढे काफी ज्यादा मिलेगी, तो मैं आपको सजेस्ट करूँ ये गाड़ी ही आप परचेस करें, सेफ्टी के मामले वगैरह में, अगर टाटा में आपको जाना है तो। ओवरऑल इसकी लुक भी ठीक ठाक है, ऊंचा गाड़ी आपको दिखेगी, नॉर्मल टाटा की XM वगैरह से तो आप ऊंचा दिखेगी। आपको XM वेरिएंट सब में आपको पुश स्टार्ट बटन नहीं देखने को मिलता है, इसमें पुश स्टार्ट बटन देखने को मिलेगा, टॉप वेरिएंट में भी उसका नहीं देखने को मिलता है। इसमें हर्बन का सिस्टम देखने को मिलेगा, साउंड लाजवाब है इसकी। थोड़ी सी आपको ये दिक्कत लगी कि लाइट आपको रात में थोड़ी सी दिक्कत दी, हैलोजन दी गई है, बट थ्रो इसकी लाइट मुझे पर्सनली ठीक नहीं लगी। बट हाँ, अगर माइलेज की बात की जाए तो फिलहाल तो नई गाड़ी है, ज्यादा दिन हुआ भी नहीं है, एक वीक हुई है, तो मैं इससे अभी तक निकाल रहा हूँ 16.4। ओवरऑल देखा जाए तो माइलेज ठीक ठाक निकाल दे रही है, आपको रिग्रेट कहीं पर नहीं होगा माइलेज के हिसाब से। कंफर्टेबल की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा यहाँ पर नेक रेस्ट जगह थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल फील होगा, बाकी तो आपकी ये बॉडी पोजिशन में फील मजा आ जाएगा। आप इसमें चाहे तो ऊपर भी बैठ सकते, नीचे डाउन भी बैठ सकते, आपके ऊपर ही है। अगर बात की जाए तो एसी आपको चिल्ड कर देती है, वैसे भी खराब एसी नहीं है, चिल्ड को कर देती है, सभी तो ठंडा का मौसम है, बट हाँ गर्मी में चिल्ड कर देती है। इसकी रिसेंट ब्रेकिंग अगर बात की जाए, इमरजेंसी ब्रेकिंग जिसे कहते हैं, तो मैं अभी लगभग 55 के स्पीड में हूँ, मैं आगे पीछे कोई भी गाड़ी नहीं है, तो मैं इसे ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। हाँ ठीक है, थोड़ा सा लगेगा टाइम, बट ठीक ठाक चल देख लग जाता है। अगर इसकी हैंडलिंग की बात करूँ तो इसकी हैंडलिंग सेकेंड गियर हम काफी लेके हैं, काफी ज्यादा। इसकी हैंडलिंग की बात करूं तो हैंडलिंग परफेक्ट है इसकी, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अगर आप घुमा रहे हैं तो आपके एक जगह आके खड़ा हो जाएगी, ये हैंडलिंग किधर भी घुमा एक जगह आके खड़ा है। तो आपको ये कार की ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मुझे तो पर्सनली ये कार काफी पसंद आई, अगर आपको पसंद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।